लड़कियों के साथ गलत कार्य, आखिर कब तक, जिम्मेदार कौन, आधुनिक समाज का गंदा सच आखिर इस तरह कब तक सामने आता रहेगा, कब तक बहला फुसला कर उनके साथ गंदा काम होता रहेगा। एक बार फिर सामने आया कुछ ऐसा ही सच, देखिए रीवा दर्शन की एक रिपोर्ट। समाज में इस तरह की घटनाएं आखिर कब तक होती रहेंगी, कब तक घर की इज्जत सड़कों पर नीलाम होती रहेगी। जहां एक ओर पूरे देश में आ रही घटनाएं गाहे बगाहे हमें शर्मसार करती रहती हैं, हम मूक दर्शक बनकर इन घटनाओं को देखते रहते हैं, गलत हुआ कहकर बात टाल जाते हैं। समाज के बदलते माहौल में जहां इन घटनाओं को कम होना चाहिए था, वहीं इन घटनाओं का बढ़ना गंभीर चिंता प्रकट करता है। आए दिन हमारे चारों ओर इस तरह के मामले आते रहते हैं। ताज़ा मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने उस लड़की की बात गंभीरता से सुनी और उसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही के लिए महिला थाने को निर्देशित किया है। पूरी घटना के बारे में हम आपको बताएं, उससे बेहतर होगा पीड़ित लड़की से बात करते हैं। बगल वाले लोग हैं कि सहनाज सलीमू ने मुबारक, वही ले जाते रहेंगे घुमाने के, उसमें से कहते रहे चलो तुमको कपड़ा दिलाएं, तो वही ले जाती रहेंगे लड़के के पास, छोड़ देती रहेंगी। और फिर गई मेला तो कल आई थी रात में 9 बजे, और रोज़ ले जाती रहेंगी। कब से ले जा रही थी? बहुत दिन से, 1 साल हो गया 2 साल। उसी लड़के के पास ले जाती थी क्या? अलग अलग वही लड़के के पास लेके जाती रही हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो हो गया, एक्शन हो गया, फिर वहाँ डॉक्टर के ले गई सब मिल के, लाला दाएँ हैदर सब। तो वही शादी करने को बोल रहा था, तो वो बोले पैसा को तय कर लिए, तो वो मना कर दिए शादी मत करो, फिर नहीं करा वो। अबॉर्शन कहाँ करवाए हैं आप? कढ़ैया में। क्लिनिक का क्या नाम है? कढ़ैया में, नाम नहीं पता, भूल गए। राजपुर जी, राजपुर। कितने महीने पहले हुआ था ये? बहुत दिन से नहीं। अबॉर्शन कब हुआ था, किस तारीख को? 1 तारीख को जी। हाँ करेंगे वहाँ थाने में, तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं अब जी। अब एसपी साहब ने क्या कहा? कहें वहाँ थाने जाने को। क्या चाहती हैं आप जी? क्या चाहती हैं आप? शादी करने को। उसके साथ क्या हुआ, वही लड़की की शिकायत सुनने के बाद पत्रकारों को घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक सुशांत सक्सेना ने बताया। लैंगिक शोषण के संबंध में ये शिकायत प्राप्त हुई है और मेरे द्वारा फरियादियों को विस्तार से सुना गया है। उनका प्रकरण जो है गंभीर प्रकृति का है और इनको महिला थाने भेजा गया है, वहाँ इनकी शिकायत पर विधिसम्मत कार्रवाई कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।